नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जनवरी 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के बारे में है। पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं, उसके बाद ये जानेंगे नया क्या हुआ है। देखो, बोडोलैंड जिसे ऑफिशियली बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ये असम के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है। मैप में देखिए, यहाँ पर है असम और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में और भूटान और अरुणाचल प्रदेश के तलहटी में, ये चार डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में। मैप में भी आप देख सकते हो, पहले नंबर पे कोकराझार, दूसरे नंबर पर चिरांग, तीसरे नंबर पर बक्सा और चौथे नंबर पर उडलगुरी। समझ गए, यानी इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में ये चार डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। असम कि ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में रहती है और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो एरिया है वो असम के टोटल एरिया का ऑलमोस्ट 11% है। वैसे तो देखो, बोडोलैंड एरिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन बोडो जो हैं वो मेजोरिटी में हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर टोटल एरिया है 8,000 स्क्वायर किलोमीटर। और देखो, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का निर्माण हुआ था फरवरी 2003 में हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एकॉर्ड के बाद। और जैसा हमने डिस्कस किया, वैसे काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो संख्या है वो बोडो पीपल की है। बोडोज सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है असम में, और असम की टोटल जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का ऑलमोस्ट 5-6% बोडोज की है। बोडोज का देखो एक लंबा इतिहास रहा है अलग से स्टेट की डिमांड का, और बहुत सारे जो सेक्शंस हैं बोडोस के, उन्होंने इसलिए हथियार भी उठाए हुए हैं। और अभी क्या हुआ है, हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट का नाम है बोडो सेटलमेंट एग्रीमेंट। पिछले 50 सालों से बोडो क्राइसिस असम में जो चल रहे थे, उम्मीद ये है वो क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। देखो, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत एक दिक्कत ये थी, बहुत सारे नॉन ट्राइबल लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में रहते थे और बहुत सारे बोडोज लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बाहर रहते थे। तो इस वजह से इंटर कम्युनिटीज क्लैशेस काफ़ी देखने को मिलते थे, यानी विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी बार क्लैशेस हो जाते थे। लेकिन अब एक एग्रीमेंट में एक चीज़ ये डिसाइड की गई है, संविधान के 6th शेड्यूल के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग एक कमीशन सेटअप किया जाएगा। वो कमीशन रेकमेंड करेगा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से अगर कुछ एरियाज़ को बाहर निकालना है, या फिर कुछ गांव जो बोडो जिनमें बोडो रहते हैं और वो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बाहर हैं, तो उनको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर शामिल करना है। ये सब कुछ रेकमेंड किया जा सकता है कमीशन के द्वारा, जो सेटअप किया जाएगा संविधान के शेड्यूल 6 के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। और इस कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट, ऑल बोडोज स्टूडेंट यूनियन और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो वैसे पहले बताना चाहिए था, देखो 2003 के समझौते के अनुसार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर जो एरिया आता था उसे कहा जाता था बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, यानी BTAD। शुरुआत में हमने ये देखो मैप जो डिस्कस किया, चार जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर जो एरिया आएगा उसे कहा जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यानी BTR। ये दूसरा पॉइंट है जो समझौते में तय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, असम की सरकार बोडो लैंग्वेज को असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेगी, बोडो लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज को असम सरकार के द्वारा असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा, और एक सेपरेट डायरेक्टोरेट इस्टेब्लिश किया जाएगा बोडो मीडियम स्कूल्स के लिए। समझौते में यह भी तय हुआ है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स को भी इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1500 करोड़ का आने वाले 3 सालों में, ताकि बोडोज एरियाज की डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को लिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, असम की सरकार एक बोडो कचहरी वेलफेयर काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी, ताकि वो बोडो विलेजेस जो अभी
बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहें या फिर पुराना नाम बोडो टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स कहें के बाहर आते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो बोडोज जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के बाहर रहते हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनकी समस्याओं को एड्रेस किया जा सके। ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं समझौते में जो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नागरधन एक्सकवेशन से संबंधित है। देखो, इस आर्टिकल के डिस्कशन में बार बार रानी प्रभावती गुप्त का नाम मेरे द्वारा बोला गया है, प्रभा देवी गुप्त। तो जब आर्टिकल के डिस्कशन में प्रभा देवी गुप्त बोला जाए तो आप उसे प्रभा देवी गुप्त के बजाय प्रभावती गुप्त मानिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नागरधन एक्सकवेशन एंड वाकरक डायनेस्टी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक तालुका है रामटेक तालुका, और रामटेक तालुका के अंदर एक गांव है नागरधन, और वहीं पर नागरधन फोर्ट भी है। नागरधन फोर्ट के चारों ओर खुदाई की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और खुदाई से काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलते हैं और पता लगता है वाकरटक डायनेस्टी के दौरान लाइफ कैसी थी, कौन से रिलीजन को फॉलो किया जाता था, ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे होती थी। खास करके उस समय जब वाकरटक डायनेस्टी की क्वीन थी प्रभा देवी गुप्त, खुदाई के दौरान देखो ये सीलिंग मिली है स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हो। सीलिंग पर नाम है क्वीन प्रभा देवी गुप्त का ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इसके अलावा शंख भी देखने को मिलता है रानी प्रभा देवी गुप्त के नाम के साथ। इससे हमें पता लगता है गुप्तास के द्वारा वैष्णव सेक्ट को फॉलो किया जाता था। देखो, वाकरटक डायनेस्टी के जो लोग थे वो ट्रेड करते थे उस समय ईरान के साथ, और मेडिटेरेनियन सी के उस पार जो एरिया है उस एरिया से भी वाकरटक डायनेस्टी की ट्रेड रिलेशंस का पता लगता है। देखो, ये सील्स जो मिली हैं इनको एज ए परमिशन इस्तेमाल किया जाता था दिखाने के लिए। देखो, सील पर लिखा हुआ है हमने कैपिटल से परमिशन ली है ट्रेड के लिए, तो इस प्रकार के पर्पजेज के लिए इन सील्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। एक कॉपर प्लेट में मिली है जिसको इशू किया गया था क्वीन प्रभा देवी गुप्त के द्वारा। कॉपर प्लेट पे क्या लिखा हुआ है? गुप्तास के वंश के बारे में जानकारी दी हुई है, सबसे पहला गुप्ता रोलर कौन था, उसके बाद कौन आया। जैसे रानी प्रभा देवी गुप्त के ग्रैंडफादर थे समुद्रगुप्त, और उसके बाद उनके फादर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रकार से गुप्तास के वंश के बारे में जानकारी दी हुई है कॉपर प्लेट पर जो इशू की गई थी रानी प्रभा देवी गुप्त के द्वारा, ये कॉपर प्लेट भी मिली है। आगे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाकरटक डायनेस्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है। कब रूल किया गया वाकरटक डायनेस्टी के द्वारा? 250 कॉमन ईरा से लेकर 500 कॉमन ईरा के बीच। कौन से एरिया में रूल किया गया? आप मैप में लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है ये वाकरटक्स के द्वारा रूल किया गया था। फाउंडर कौन है? फाउंडर है विंध्या शक्ति। वाकरटक डायनेस्टी के रूलर हैं हरिसेना। इनकी पैट्रोनेज में चट्टान को काटकर बुद्धिस्ट विहार्स बनवाए गए थे ताकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पर रेस्ट कर सकें, और अजंता केव्स में चैत्यास का निर्माण भी करवाया गया था ताकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा वहाँ पर वर्शिपिंग की जा सके। एलिफेंट गॉड को कॉमनली पूजा जाता था उस समय। लास्ट में हम रानी प्रभा देवी गुप्त के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वाकरटक्स रूलर्स के मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे उस समय की दूसरी डायनेस्टीज के साथ। ये रानी जो प्रभा देवी गुप्त थी ये गुप्ता डायनेस्टी की थी। इन्होंने वाकरटक किंग रुद्रसेना द्वितीय के साथ विवाह किया, और उसके बाद प्रभा देवी गुप्त चीफ क्वीन की पोजीशन में आ गई। डेथ हो गई थी रुद्रसेन द्वितीय की, और कार्यभार इन्होंने संभाला था रानी प्रभा देवी गुप्त ने। और इतिहासकार देखो ये बोलते हैं प्रभा देवी गुप्त उन रेयर फीमेल रूलर्स में से हैं जिन्होंने एंशियंट ईरा में रूल किया था, और ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि रानी प्रभा देवी गुप्त की जो सक्सेसर थी वो भी फीमेल थी। इन्होंने लगातार 10 सालों तक रूल किया, और इनके बाद रूल किया गया इनके बेटे प्रवरसेना द्वितीय के द्वारा। ये कहा जाता है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में वैष्णव सेक्ट से संबंधित प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में रानी प्रभा देवी गुप्त का अहम रोल रहा।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल G77 नेशंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साउथ अमेरिका का एक देश है गियाना। गियाना को हेड चुना गया है G77 नेशंस का। देखो G77 ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में 77 डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जिनेवा में। मकसद क्या था? मकसद ये था साउदर्न कंट्रीज़ के, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ऊपर नॉर्दर्न कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर, देखो नॉर्दर्न कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं और साउदर्न कंट्रीज़ जो हैं वो या तो काफ़ी गरीब हैं या फिर डेवलपिंग हैं। तो उस समय सोचा ये गया था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इकोनॉमिक इश्यूज़ से संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन होना हो या फिर कोई चीज़ नेगोशिएट होनी हो तो साउदर्न कंट्रीज़ अगर आपस में मिल जाएं तो वो डेवलप कंट्रीज़ के साथ बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी। यूनाइटेड नेशंस के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया भी एक मेंबर है G77 ऑर्गेनाइजेशन का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो के बारे में है। देश की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो को लॉन्च किया जाएगा मार्च 2022 में। कहाँ पर ये देश की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इस्टेब्लिश की जा रही है? देखो प्रोजेक्ट कोलकाता और हावड़ा सिटीज़ को आपस में जोड़ने का है। टोटल रूट की लेंथ है 16.6 किलोमीटर। बीच में 6 स्टेशंस आएंगे। स्टेशंस के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीच में हुगली नदी आएगी और हुगली नदी को पार करने के लिए अंडर वाटर टनल इस्टेब्लिश की गई है। अभी देखो हावड़ा ब्रिज का इस्तेमाल होता है कोलकाता से हावड़ा को जोड़ने के लिए, लेकिन समय काफ़ी लग जाता है। अब ये अंडर वाटर मेट्रो जो बनेगी तो काफ़ी कम समय लगेगा। अंडर वाटर जो टनल बनाई गई है लेंथ 1 किलोमीटर से कम है और इसको पार करने के लिए 1 मिनट से कम का वक्त लगेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि डेली ऑलमोस्ट 9 लाख लोग यात्रा करेंगे इस रूट से। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की। दोनों की जो हिस्सेदारी है 50-50% है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा फंडिंग दी गई है 41.6 बिलियन रुपीज़ की। प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की 74% जो हिस्सेदारी है वो यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पास है और 26% यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओस्लो पीस एकॉर्ड के बारे में है। देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस एकॉर्ड के बारे में जान लीजिए। ये ओस्लो पीस एकॉर्ड सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए थे इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच 1990s में। ओस्लो पीस एकॉर्ड के अंदर ओस्लो 1 और ओस्लो 2 ये दोनों एकॉर्ड्स आते हैं। मकसद क्या था आप वो समझ लीजिए। मकसद ये था कि वेस्ट बैंक से जो इसराइल का टेम्परेरी ऑक्यूपेशन था वो समाप्त किया जाए, यानी इसराइल अपनी ट्रूप्स को वेस्ट बैंक से वापस लेकर जाएगा और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी। ये एसेंस था ओस्लो पीस एकॉर्ड का। लेकिन अब इसराइल ने यह बोला है अगर USA अपना मिडल ईस्ट पीस प्लान अनाउंस करती है तो हम ओस्लो पीस एकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं इस ओस्लो पीस एकॉर्ड के बारे में, लेकिन इतना कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा UPSC ये पूछेगी कि ओस्लो पीस एकॉर्ड किस किस के बीच में साइन हुआ था, किससे संबंधित है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से अगर देखें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने बोडोलैंड से संबंधित इशू को डिस्कस किया, हमने नागरधन एक्सकेवेशंस और वाकाटक डायनेस्टी से संबंधित इशू को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया ओस्लो पीस एकॉर्ड के बारे में, हमने G77 नेशंस की बात की, हमने फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो के बारे में भी डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।